क्षेत्र के प्रगतिशील सभी कृषक भाइयों, किसान भाइयों, एक सेकंड अभी मैं जब कहूँगा जब आप लोग तैयार होंगे। हमारा देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा एक नारा दिया गया था और संकल्प लिया था कि अब देश को आजाद कराना है, और संकल्प था कि करो या मरो, करेंगे या मरेंगे। एक ऐसा अहिंसावादी व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी किसी के तरफ मारने की बात ना कही हो, उसने देश को आजाद कराने के लिए संकल्प लिया था कि करेंगे या मरेंगे। आज देश तो आजाद है, देश की आजादी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश की तरक्की होनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से सन 1942 से 1947 लेते हैं, नए भारत का संकल्प है, हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, एक नए भारत का। 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संकल्प लिया था, भारत छोड़ो का, और 1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं 2022 तक नए भारत का निर्माण का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं स्वच्छ भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं संप्रदाय मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं जातिवाद मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं 2022 तक कृषि आय दुगना करने का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आय सुरक्षा के लिए फसलों के बीमा का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं माटी की सेहत के लिए जैविक खेती अपनाने का, तथा सोयल हेल्थ कार्ड बनवाने का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं उच्च पैदावार के बीज एवं रोपण सामग्री अपनाने का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन एवं सही सुरक्षित भंडारण का। नए भारत के निर्माण के अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम सब मन और कर्म से जुट जाएंगे। और बहुत धन्यवाद, आप सबने संकल्प लिया।